आज का ये वीडियो इंस्टाग्राम से रिलेटेड है। इंस्टाग्राम पर अगर कोई भी स्टोरी पोस्ट करते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें मल्टीपल इमेज जो है कैसे आप लगा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें, या अगर किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्विफ्ट की कीबोर्ड के नाम से है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको इनेबल स्विफ्ट की पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ये स्विफ्ट की कीबोर्ड के नाम से जो ऑप्शन है ये दिखाई देगा, इसे आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है, इसे भी आपको क्लिक करना है, और यहाँ से जो आपका कीबोर्ड है वो चेंज कर देना है। इसे आपको चेंज करके स्विफ्ट की कीबोर्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से नोट नाउ पर क्लिक कर देना है। ये जो कीबोर्ड है हमारा, इसकी जो सेटिंग है वो अब हमने कर ली है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्टाग्राम के पोस्ट पर चलते हैं। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी पर आना है, और यहाँ से कोई भी एक इमेज है क्लिक कर लेनी है। देखिए मैंने इमेज ये एक ले ली है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऊपर की ओर आप देख सकते हैं एक स्मॉल है और एक कैपिटल आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो ये आपका कीबोर्ड है स्विफ्ट की, आपको यहाँ पर देखना है कि आपका ये जो कीबोर्ड है यही आ चुका है या नहीं। अगर आपका कीबोर्ड नहीं आता तो आपको ऊपर से स्लाइड करना है और यहाँ पर चेंज कीबोर्ड पर क्लिक करना है, यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद आपको अपना जो स्विफ्ट की कीबोर्ड है ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर GIF ये गिफ्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको इधर की ओर ये पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको ऊपर की ओर कैमरे का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है, गॉट इट कर देना है। और ये एक्सेस मांग रहा है, आपको इसको एक्सेस दे लेना है। फिर से आपको यहाँ पर टच करना है, कैपिटल और स्मॉल लिखा रहा है, और यहाँ से फिर से आपको कैमरा पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी जितनी भी गैलरी में इमेज है वो सभी शो होने लगेगी। मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट कर लेने के बाद उस इमेज पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ब्लू कलर का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर इमेज जो है हमारी स्टोरी पर आ गई है। इसे हम जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए कैसे हम रोटेट कर सकते हैं इसे। अब मैं आपको इसी प्रकार से दूसरी इमेज सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको फिर से यहीं पर जाना है, और फिर से आपको कैमरा के आइकन पर क्लिक करना है, और फिर से आपको यहाँ से कोई सी भी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आप अपनी स्टोरी पर जो है मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़